आज हम रेवाजिन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं कि रेवाजिन टैबलेट क्या है, इसके कंटेंट, यूजेस, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। चलिए रेवाजिन टैबलेट के कंटेंट के बारे में बात करें तो उसमें रेवेमिपाइड होता है, इसमें 100 mg, ये मैक्लोर्स कंपनी द्वारा बनाई गई है और उसकी MRP के बारे में बात करें तो ये 95 rupees की 10 टैबलेट हैं। रेवाजिन एक प्रकार की एंटासिड टैबलेट है। ये रेवाजिन टैबलेट है ना, ये जो आंतें होती हैं उनके म्यूकोसल की रक्षा करती है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जो अल्सर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। चलिए इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जो रेवाजिन टैबलेट है ये पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम को दूर करती है, गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम को दूर करती है। आपको एसोफेगस में अगर किसी प्रकार के जो अल्सर होते हैं वो भी ख़त्म करती है। आपकी जीभ में, मुँह में किसी प्रकार के छाले हैं, अल्सर की प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। तो इस प्रकार से यदि आपके मुँह में, जीभ में किसी प्रकार के अल्सर की प्रॉब्लम है, जो पेप्टिक अल्सर कल्सर की प्रॉब्लम है, तो वो आप डॉक्टर की सलाह से इस रेवाजिन टैबलेट का यूज़ करें। चलिए इसके डोजेस के बारे में और बात कर लेते हैं। तो इसका डोजेस सुबह शाम इसको एक एक टैबलेट लेना है, इसका BD डोज होता है और इसको खाली पेट लेना है, सुबह शाम खाना खाने से पहले इस टैबलेट को लेना है। और यदि आप खाली पेट नहीं ले पा रहे हैं तो आप खाना खाने के बाद भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। इसको लेने के बाद में किसी किसी को चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, मुँह सूखने की प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग यानी उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको है ना ठीक तरह से लैट्रिन नहीं आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उस तरह के नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट आपको देखे जा सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है तो आप इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और यदि आपको गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या फिर एसोफेगस में किसी प्रकार के छालों की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही रेवाजिन टैबलेट का यूज़ करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आपके दोस्तों में, मिलने वालों में और आपके सभी फ्रेंड सर्कल में। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू वेरी मच।